चीन का स्पेस लैब जल्द ही पृथ्वी पर क्रैश होगा। वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्हें पता है। क्रमबद्ध करें। TIANGONG 1 को 2011 में चीन की पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला के रूप में शुरू किया गया था, जो कि देश को आशा व्यक्त की गई थी कि अंततः एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन होगा। चीन का 9.5 टन का अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग्रिन एक जल्द ही अंतरिक्ष से गिरने वाला होगा, और यह उस सामान्य दिशा में सिर की भविष्यवाणी की जाएगी। चीन की पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला के रूप में 2011 में लॉन्च किया गया TIANGONG 1 एक ऐसा प्रोटोटाइप जिसे देश की आशा थी अंत में एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन होगा। लगभग 5 वर्षों के लिए यह सिर्फ यही था, पृथ्वी परिक्रमा कर रहा था, और चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 अभियानों, 2 मानव, 1 मानव रहित के आधार के रूप में अभिनय किया था। हालांकि सितंबर 2016 में चीनी अधिकारियों ने घोषणा की कि वे स्टेशन का नियंत्रण खो चुके हैं, जिसका अर्थ है कि तियांगोंग्रिन एक शब्दशः स्वर्गीय महल अंततः अपने नाम की अवहेलना करेगा और धरती पर वापस चोट लगी। वास्तव में कब या कहां ऐसा करना एक रहस्य था। सबसे पहले चीनी वैज्ञानिकों ने कहा कि 2017 के उत्तरार्ध में अनियंत्रित रीएंट्री कुछ समय लगेगा। उस विंडो को बाद में अक्टूबर 2017 और अप्रैल 2018 के बीच कुछ समय तक वापस धकेल दिया गया था। जनवरी में कैलिफोर्निया स्थित गैर लाभकारी एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने अनुमान लगाया था कि तियांगोंग रिन 1 मार्च के मध्य में फिर से प्रवेश करेगा, 2 सप्ताह देगी या लेगा। इस हफ्ते यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक अधिक विशिष्ट समय सीमा प्रदान की, मार्च 29 और 9 अप्रैल के बीच, और पुनः प्रवेश स्थानों को कहीं भी 43 डिग्री उत्तर और 43 डिग्री दक्षिण, जैसे स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, ग्रीस आदि। यह ध्यान देने योग्य है कि नई भविष्यवाणियां पर्याप्त चेतावनियों के साथ आती हैं। देखें आदि वर्तमान अनुमानित विंडो अत्यधिक चा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चेतावनी दी है, दिए गए अक्षांश के बाहर के क्षेत्रों को बाहर रखा जा सकता है, लेकिन पूर्वानुमान अभी भी साप्ताहिक अद्यतन किया जा रहा है। यह जोड़ा ईएसए से सटीक समय स्थान पूर्वानुमान संभव नहीं होगा, एजेंसी ने कहा। लोकप्रिय मैकेनिक्स ने कहा है कि स्टेशन के कक्षा के पथ को देखते हुए यह दक्षिणी गोलार्ध में वातावरण को फिर से 43 डिग्री अक्षांश के पास बदल सकता है। पत्रिका ने बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इबेरियन प्रायद्वीप, चीन, मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हिस्सों में सभी संभावित पुनर्मत स्थान हैं। फिर भी वहां कई कारणों से आतंक नहीं है। सबसे पहले, सबसे ज्यादा, यदि सभी नहीं तो लगभग 1900 पौन प्रयोगशाला में रीएंट्री पर विघटित होने की संभावना है, एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने जनवरी में कहा। अंतरिक्षयान के इतिहास में किसी भी ज्ञात व्यक्ति को कभी भी अंतरिक्ष मलबे को पुनर्स्थापित करने से नुकसान नहीं पहुंचा है। केवल एक व्यक्ति को कभी भी अंतरिक्ष मलबे के एक टुकड़े से मारा जा रहा है, और सौभाग्य से वह घायल नहीं हुई थी। गैर लाभकारी क्षेत्र में एक ऐसा नक्शा शामिल था जहां सियासत वाले क्षेत्र, जहां TIANGONG एक गिर सकता है, यह देखते हुए कि सबसे खराब स्थिति वाले स्थान पीले क्षेत्र में लोगों के लिए भी मलबे से प्रभावित होने की संभावना, लगभग 10 लाख गुना छोटे पावरबॉल जैकपॉट जीतने की बाधाएं। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोफिजिस्ट जोनाथन मैकडोवेल ने गार्डियन को बताया कि 220 पौंड वजन वाले टुकड़े पृथ्वी की सतह पर बना सकते हैं। वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी मामूली बदलाव लैंडिंग साइट को एक महाद्वीप से अगले तक बदल सकते हैं, मैकडोवेल ने अखबार को बताया। उन्होंने कहा, आप वास्तव में इन चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, यहां तक कि दोबारा शुरू
होने से कुछ दिन पहले हम शायद 6 या 7 घंटे से बेहतर नहीं जानते हैं प्लस या माइनस। जब यह नीचे आ जाएगा नहीं जानते हुए कि जब यह नीचे नहीं जा रहा है निर्णय लेना।